सबसे पहले मैं आपको अपने वेबसाइट के बारे में बता दूं। देखिए, ये है मेरा वेबसाइट। यहाँ पे देखिए आप, www.learningtechnologyofficial.com, ठीक है। यहाँ पे आज लाने का मेरा मेन मकसद क्या है, यहाँ देखिए आप साइट पे मुझे फॉलो करने के लिए आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी फॉलो कर सकते हैं क्लिक करके। और सबसे अच्छा है देखिए, ये फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक करके ज़रूर रख लें। क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे आने वाले वीडियोस जो है मैं पहले से यहाँ पे डाल दूंगा कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है, ठीक है। एक दो दिन पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कब और किस टॉपिक पे आने वाला है। तो आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करना नहीं भूले, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इस पेज को जरूर लाइक कर लें, ठीक है। लाइक करने पे आपको कुछ नहीं जाएगा, बट बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल सकता है। तो वेबसाइट कैसा लगा जरूर बताइए। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के अंदर हम पानी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत मैं तरीका से बताऊंगा, बट प्रोसेस लंबा इसका क्या है। देखो, कंक्रीट में वाटर क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो जानना, ठीक है। वो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है कि वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालना है, तो इसके लिए आपको मिक्स डिज़ाइन जानना होगा। तो मिक्स डिज़ाइन जानने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, अब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसका। आप उस लिंक पर चले जाओ और वहाँ से आप इजिली पता कर सकते हो कि कैसे हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो उस मिक्स डिज़ाइन में आप सीख जाओगे वाटर सीमेंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं आईएस कोड से, ठीक है। सॉरी, क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें कॉन्क्रीट में हमें सीमेंट और सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो जानना होगा। पहला क्राइटेरिया है वाटर सीमेंट रेशियो पता होना चाहिए, दूसरा सीमेंट का क्वांटिटी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँगा, बट आपको सीखना है ये कैसे निकलता है, तो इसके लिए तो आपको मिक्स डिज़ाइन पूरा जानना होगा, ठीक है। तो मिक्स डिज़ाइन वाले वीडियो जाकर देख लो मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.45, ठीक है। मैंने यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो पकड़ा, सपोज लेट किया 0.45, तो और सीमेंट क्वांटिटी हमने कितना पकड़ा ये भी हमें पता होना चाहिए। कितना है? 400, मैंने 400 kg पकड़ लिया। तो इस सीमेंट के लिए और इस वाटर सीमेंट रेशियो के लिए हमें पानी कितना लगेगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो, तो इसको लिख लो ऐसे, वाटर बाई सीमेंट इज इक्वल टू 0.45, ठीक है। ये लिख लेना ऑलवेज। अब क्या करना, सीमेंट की जगह जो क्वांटिटी है उसे जस्ट पुट कर देना है, कुछ नहीं। वाटर बाई सीमेंट कितना है? 400 kg, 0.45। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो वाटर क्या आएगा आपका? 0.45 × 400, या आपका अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 180 kg या 180 लीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्क्रीट में वही यूज़ करेंगे जो पीने लायक हो पानी, तो 180 kg। तो ये जस्ट प्रोसेस है हम लोग निकालने का, कैलकुलेट पानी निकालने का, ठीक है। मोटर में कुछ अलग प्रोसेस है, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, उसे आप जरूर लाइक करें जाके, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।